भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए जो रणनीति तैयार की थी उस पर चलते हुए अब तक 157 करोड़ कोविड वैक्सीन एक वर्ष के दौरान लगाई गई है। कोविड वैक्सीनेशन अभियान को एक वर्ष पूरा हो गया है, जिसे लेकर आम जनता भी केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयासों की सराहना कर रही है। अब तक देश में 70% व्यस्क आबादी का टीकाकरण पूरा कर लिया गया है। 157 करोड़ वैक्सीन देश के 65 करोड़ लोगों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय डोज के तहत लगाई गई है। 3 जनवरी 2022 से 15 से 17 आयु वर्ष के बच्चों व 10 जनवरी 2022 से बूस्टर के रूप में तीसरी डोज लगाई जानी भी शुरू कर दी गई है, जो भारत की 135 करोड़ की आबादी के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिले ने बताया कि 16 जनवरी 2021 से देश भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था। इस एक वर्ष के दौरान लगभग 100% प्रथम डोज तथा 85% दूसरी डोज लग चुकी है। इसी का नतीजा है कि ओमिक्रॉन के रूप में आई तीसरी लहर के रूप में अधिकतर कोविड पॉजिटिव में कोई भी बीमारी के लक्षण नहीं है। वैक्सीनेशन के कारण ही लोग कोरोना की तीसरी लहर से बचे हुए हैं तथा उनमें कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी बीमारी के लक्षण नजर नहीं आ रही। उन्होंने बताया कि भिवानी जिला में 15,86,375 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इनमें से 8,37,035 लोगों को प्रथम, 7,12,472 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इसके अलावा 15 से 18 वर्ष के 36,890 बच्चों का वैक्सीनेशन भी किया गया है। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों व 9 महीने की दूसरी डोज अवधि पूरी कर चुके हैं, उन्हें तीसरी डोज लगाई जा रही है। सबसे पहले मैं भिवानी वासियों को बधाई देता हूं कि हमारी फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन है वो 100% हो गई है। इसके लिए सभी पत्रकार, एनजीओ और जिन्होंने सहयोग किया है उसका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हमारी जो फर्स्ट डोज है वो 8,37,035 की जो हमारी टारगेट दिया हुआ था वो कल पूरा हो गया है। और हमारी सेकंड डोज है वो 7,12,472 ये पूरी होगी है। इस प्रकार हमारी 15,86,375 को हमने वैक्सीनेशन कर दिया गया है। जो हमारी 15% जो बची हुई है वो हमारी सेकंड डोज बची हुई है और उसको पूरा करने के लिए जैसे कि फर्स्ट डोज में सहयोग किया है इसी प्रकार हमें सहयोग देते रहें, हम इसको सेकंड डोज को भी 4-5 दिन में 100% कर देंगे। रही बात बच्चों के वैक्सीनेशन की, वो हमारी 60% के लगभग हो गया है। हमारी 36,890 ये जो 15+ के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट कर दिया गया है। और हमने शिक्षा अधिकारी जिला से अनुरोध किया है कि बीओ को आदेश दें कि वो जितने बच्चे रह रहे हैं उन स्कूलों में रिमेनिंग बच्चे भेजें ताकि हम 26 जनवरी से पहले उनको भी 100% वैक्सीनेट कर दें। रही बात प्रिकॉशनरी की जो डोज होती है वो फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर और जो 60 साल को मोरबिडिटी के पेशेंट है और जिनके 9 महीने या 39 वीक्स सेकेंड डोज से काउंट करते हैं तो वो होना ज़रूरी है। उनके हिसाब से हमारी जो लग रही है वो अभी उसका प्रोसेस धीरे चल रहा है, तो हमने आदेश दिए हैं कि जो प्रिकॉशनरी डोज के हैं उसको भी स्पीड अप करें। भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।